गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो आज फिर एक आज डे टू है देखा जाए तो। कल डे वन था, परसों तो ट्रैवल कर ही रहे थे। तो एक्चुअली बीकानेर में इतना कुछ घूमने फिरने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। लिमिटेड रख दो, मैं भी पीता हूँ। लिमिटेड जगहें हैं जो घूम सकते हो। और अगर आपने जयपुर देखा हुआ है तो उससे अलग कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं बीकानेर में। तो अब हम उठ गए हैं और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा पोखरण की तरफ। वहाँ पे एक दो जगहें हैं देखने के लिए, वहाँ देखेंगे। बाकी जो मज़ा होता है वो तो रास्ते का ही होता है, सबको पता है। तो रास्ता है, एंजॉय करेंगे और पोखरण में देखते हैं कितना टाइम लगता है। और वहाँ पे थोड़ी बहुत देर स्पेंड करके वहाँ से हम निकल जाएंगे आपका जैसलमेर। तो पता ही नहीं है भाई को, ये देखो। अरे उठ जा भाई, हीरो उठ जा, उठ जा, उठ जा भाई, रुद्रांश बाबू उठ जा। इसको उठना ही नहीं है, इसको उठना ही नहीं है भाई। उठने का दिल कर ही नहीं रहा, थोड़ी देर लात मार सकता था। निकल जाओ यहाँ से, कौन है ये सुबह सुबह जो उठा रहा है। चलो अब चाय भी पीते हैं, पैकिंग वैकिंग करते हैं। और अभी कुछ शायद 7:30 का टाइम हो गया है, 8 बजे तक निकलने का पूरा प्रोग्राम है कि 8 बजे निकल जाए ताकि एक तो ट्रैफिक कम मिले और थोड़ी ठंडक भी रहेगी, अच्छा रहेगा। और टाइम से जहाँ पहुँच रहे टाइम से पहुँच जाए, है ना। चलो मिलते हैं जी नीचे गाड़ी में। हम सब निकल लिए, अब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अब निकल रहे हैं सीधा जैसलमेर के लिए। कुछ करीबन 5-5.5 घंटे का सफ़र है अगर लगातार जाए तो। और हम ठहरे आदिवासी, हम रुक रुक के जाएंगे भाई। कहीं ना कहीं आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें जाने की ऐसी। ठीक है, तो आराम से जाएंगे घूमते फिरते हुए, तब निकलेंगे। चलो अब सफर स्टार्ट करते हैं, मारते हैं गियर। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। ए शिव शंभू, ए सीट बेल्ट पहन लेते हैं। हाँ पहन रहा हूँ चाचा, पहन रहा हूँ, पहन रहा हूँ, पहन रहा हूँ। चाचा सुनते ही नहीं है। चाचा कहते हैं पहले सीट बेल्ट पहनो तब जाके। भाई बारिश हो रही, देख रहे हो अब। ये रास्ता गंगानगर जाता है, चले जाता है इस तरफ वाला। हम जाएंगे सीधा सामने से, फिर गोल चक्कर पड़ता है, गोल चक्कर से राइट मारेंगे, वो जाएगा सीधा जैसलमेर। तो बेसिकली हम सीधा जैसलमेर नहीं, पहले पोखरण रुकेंगे। और पोखरण में रामदेव बाबा और न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। और वो इतने सालों बाद आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया होगा। भैया लेवल अप कर दो बिल्कुल ऊपर तक। डेंसिटी क्या है इसकी, एक सेकंड। डेंसिटी लिखी नहीं है यहाँ पे, देखो यार नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे डेंसिटी लिखी होती है, वो लिखी नहीं है इन्होंने। डेंसिटी वैसे पता होनी चाहिए क्योंकि उससे एवरेज का फ़र्क पड़ता है आपको। नॉर्मली क्या होता है डेंसिटी, अगर आपकी 820 से 860 है तो उसमें एवरेज अच्छी मिलती है, अगर उससे कम है तो अच्छी नहीं मिलती ज़्यादा। ठीक है, अरे अरे देख लो भैया क्यों गिरा रहे हो, पूछ लेगा ना वो डालना कि नहीं डालना। अपने आप डाल दो, गिरा दे दो नीचे पूरे का पूरा, मत गिराओ भाई। अरे जबस्ती है क्या, जबस्ती है वो पान गिर रहा है, फिर भी गिराए जा रहे हो उसके अंदर। सही आदमी यार, मतलब तेल गिर रहा है यहाँ पे नीचे, वो फिर भी भरे जा रहा है उसको। तेल डलवा लिया, पूरा फुल कर दिया टंकी। कुछ करीबन 5800 रुपये का तेल आया अंदर, लेकिन भाई पेट्रोल वाला बंदा इतना आराम ही था, मतलब टंके वो भर गया पूरा, फिर भी मतलब सोच रहे देख ही नहीं रहा वो नीचे गिराया जा रहा। भाई बीकानेर से निकलने के बाद ना ये पहला टोल आया है, IPBLT पता नहीं कितना कटेगा। अपने पास लेकिन अपना सौदा है, मतलब फास्टैग है, देखते हैं अपना कट गया, मतलब फास्टैग से पैसा कट गया, अपना नहीं कटा, फास्टैग से पैसा गया है कट। और ये रुद्रांश को देखो क्या कर रहा है, रुद्रांश मठड़ी कर रहा है, मठड़ी नींद आ रही है इसको, जल्दी उठा देना आज, इसको आ रही नींद, थोड़ी बहुत देर खा पी के सो जाएगा अपना, जो भी खाना पीना है इसने।
ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई रास्ते में। मतलब जब से चले तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश में ड्राइव करने को मिल रहा है। यहाँ से कुछ करीबन और 250 नहीं 270 किलोमीटर है जैसलमेर। देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ यार। एक्चुअली हम रास्ते में रुके एक जगह। रुकने का रीज़न सिर्फ ये है, एक तो रास्ता बहुत भाई सब जगह देखो क्या मस्त, दूर दूर तक सिर्फ खुला मैदान कुछ नहीं दिख रहा है ना। मैं रुका हूँ एक्चुअली यहाँ दिखाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे मैंने कभी भी राजस्थान में इतने सारे पेड़ नहीं देखे यार। क्या खतरनाक पेड़ है, देख रहे हो ये तो ग्रीन देख रहे हो, पूरा पूरा बेल्ट ग्रीन है भाई। और उसके उस तरफ तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है। पहले तो मैं उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ अगर जा सका तो। मिट्टी चिकनी मिट्टी है पूरी, उस तरफ कहाँ से निकला जा सकता है पता नहीं। यहाँ से जाया जा सकता है क्या, देखें ज़रा। कीचड़ तो है थोड़ा सा, बट कोशिश करते हैं। भाई साहब यहाँ मोर बैठा था, मोर उड़, मुझे देख के मोर उड़ गया। यहाँ पे अंदर है बेर के पेड़। पहली बात तो ये बता दूँ आपको, ये अंदर है बेर के पेड़। ठीक है, ये सारे बेर के पेड़ हैं। और उधर देखो भाई पीछे पूरा पूरा ग्रीन है ये, देख लो। और दूर दूर तक अगर आप देख पा रहे हो ना, पूरा का पूरा जो है ग्रीन, पूरे इतने सारे पेड़ हैं। राजस्थान में ऐसे पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, इतनी ज़्यादा इतनी घनी संख्या में इतने सारे पेड़ एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं भाई। इतना आसान नहीं है कम से कम। यहाँ से देख रहे हो ये टोकला गांव है कोई। यहाँ से ना एक्चुअल में जो राजस्थान का जो एक व्यू आता है, एग्जैक्टली जो व्यू आता है कीकर के, बहुत सारे पेड़, रेत रेतीले मैदान, हरियाली थोड़ी कम होती जा रही है। तो यहाँ से एक बोल सकते हो कि थोड़ा सा व्यू डिफरेंट होना स्टार्ट हो गया है। जब से पहले जो ग्रीनरी हम देख रहे थे ना, यहाँ से वो ग्रीनरी ऑलमोस्ट एकदम से चेंज हो गई। अब वो ग्रीन, ये सिवांश है, ये सिवांश तब से मेरे सर पे खड़ा है। ऐसे कुछ बोलना कुछ है नहीं, सर पे खड़ा है क्योंकि इसको वो करना है व्लॉगिंग। तो चैनल लगा रखा है ना। कौन सा चैनल है तुम्हारा? मेरा ये वाला चैनल है। कौन से वाला है, नाम बताओ। एस्केप विद अजय सर। अच्छा शिवांश, लोगों को बोल दो जरा चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। शिवांश शिवांश लोगों को बोल दो थोड़ा चैनल सब्सक्राइब और लाइक बैक तो कर दो, इसको बोलने दो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया, और लाइक भी करें। लाइक भी करें और शेयर भी करें। अरे वाह बहुत बढ़िया। ये है पूरा जो बारिश का पानी इकट्ठा करते ना, ऐसे तालाब बनाया था राजस्थान में, इसको सिंचाई में पीने के लिए इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कितना बड़ा तालाब है, मैं यहाँ जाने से पूरा कीचड़ है पूरा का पूरा। अब ऐसे यहाँ राजस्थान में पानी इकट्ठा कर लेते हैं बारिश के टाइम पे। अब ये सोचो कितना पानी अगर तालाब भर जाएगा पूरा, तो बहुत कितना टाइम तक तो काम करेगा ये पूरे पूरा पानी। जो देख रहे हो आप ये शहरों में कोई नहीं करता, जिनको जरूरत हो उनको पता है कि आसपास का जितना पानी ना पार करके, वो देखो पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ से, पूरा नाली में ऐसे आ रहा है यहाँ से, ये देख रहे हो यहाँ से ऐसे आ रहा है, वहाँ से अंदर जा रहा पानी अंदर इसके अंदर तालाब के अंदर। इसे भाई बने भाई यहाँ रुके चाय पीने के लिए। ये क्या है, बालाजी बालाजी करके ढाबा है छोटा सा, पर चाय अच्छी बनाते हैं। आपको एक बात है, राजस्थान में अगर चाय ज़्यादा मीठी चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, अपने आप नहीं देंगे वो भी। वो थोड़ी चीनी नॉर्मल डालते हैं बिल्कुल, हमें तेज़ चाहिए होती है तो बार बार मांगनी पड़ती है। ऐसा लगता है स्पेशली हम ही आदमी है जो ज़्यादा चीनी खाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं खाता। ये देखो भाई ये एक और चेंज है, देख रहे हो आप। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जैसलमेर के नज़दीक पहुँचते जाएंगे ना, जो व्यू है वो बदलता जाएगा। बिल्कुल बदल गया है भाई, बहुत ज़्यादा बदल गया है। ये तो पूरा का पूरा जंगल था पहले, रेत के टिल्ला था पूरा का पूरा। यहाँ पे था ही नहीं कुछ, सिर्फ एक मंदिर मंदिर था। समय भी इतना हो गया, बदलना ही बदलना था। ठीक है भाई, अंदर ले जा रहा है यहीं पे। भाई तुझे सामने जो बाइक वाला जा रहा है ना, वो भाई बोल रहा है कि मैं प्रसाद बस उसकी दुकान से ले लो, वो गाड़ी अंदर पार्क करवा देगा बिल्कुल पास में। अब क्योंकि मम्मी को चलने में दिक्कत है तो हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो भैया हमें तो प्रसाद लेना है, कहीं से ले लें।
भाई पहुंच तो गए रामदेव बाबा के यहाँ पे, लेकिन भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे। कोई आज से कोई मेला स्टार्ट हुआ है, एक महीना चलेगा, पाँव रखने की जगह नहीं है, और ना मम्मी खड़ी हो सकती है इस लाइन में, ना बच्चे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और मतलब ढंग का भी नहीं, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो भी ढंग का कुछ वो नहीं है, सिर्फ उन्होंने लाइन तो लगवा दी है, दोनों साइड से रास्ते बंद करवा दें। दुकानदार है वो अपना अगर प्रसाद दोगे उनसे एक्स्ट्रा पैसे में तो घुसा देंगे, नहीं तो आप वो रास्ता भी बताने को तैयार नहीं भाई को। अगर आपने यहाँ पे किसी से प्रसाद दिया तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान भी दे देंगे भाई, यहाँ से चले जाओ वहाँ पे, 20 साल के बाद आते हो सब कुछ बदल जाता है यार। तो इतना बड़ा मार्केट कुछ है नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी, देख रहे हो दुकानें वगैरह, ये कुछ था नहीं जब लास्ट टाइम जब हम पहली बार जब आए थे तो उस टाइम पे भाई हमारे यहाँ पे ये कुछ था नहीं, सिर्फ रेगिस्तान था, खाली था, कुछ इक्का दुक्का घर इक्का दुक्का मकान थे, तो सीधा खुले में मंदिर था, वो सब चले जाते थे। अभी दुकानें ऐसा कुछ बन गया इतने सालों के बाद, तो रास्ते समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाना है। तो अगर आप दुकान वाले से पूछ रहे हो ना किसी से कि रास्ता कहाँ से है, तो भैया पहले उससे प्रसाद लो, उसके बाद वो बताता है, वो भी घुलमुल तरीके से, तो बेकार। मैं तो बोलूँगा मंदिर तो चलो अच्छी बात है, क्षमा करें, लेकिन लोग बहुत बेकार हैं यहाँ के भाई, लूटने खाने वाले हैं बिल्कुल। एक आदमी को दो दो बार प्रसाद दो उसके बाद ठीक है, नहीं तो बोलते हैं मतलब बात भी करने को तैयार नहीं भाई, उधर निकल जाओ, जो आगे चले जाओ किसी और से पूछ लो, उस तरीके का व्यवहार है। तो भैया हमने तो बाबा से हाथ जोड़ के बोले, भैया हम तो प्रसाद ले तो लिया था प्रसाद हमने, मगर उतनी लंबी लाइन थी, समझ नहीं आ रहा था लाइन शुरू भी कहाँ से, वो भी नहीं पता। पहले वाले ने यहाँ से भेज दिया, उधर से वहाँ जाके पता कि आगे जाके रास्ता बंद है, मतलब ना जाने क्या क्या। तो भैया हमने तो प्रसाद ले लिया है, बाबा का हाथ जोड़ लिया दूर से, हम निकल रहे हैं अब सीधा जैसलमेर, हम रुक नहीं रहे भी कुछ, रुकने का ना तो टाइम है ना कुछ है वो पता नहीं। और ये तो भैया पूरा रास्ता वैसे ही रहेगा, यहाँ से करीबन 1 से 1.5 घंटा और लगेगा हमें जैसलमेर पहुँचने में, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और ये फौजी हैं सारे साइकिलिंग वाले, देखते हैं रास्ते में रख के थोड़ी देर हम भी हाथ मुँह धोएंगे यार। ये पोखरण है जहाँ पे बेसिकली परमाणु परीक्षण हुआ था, बहुत कुछ बदल गया यार जब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है, नो डाउट। ये ना डिफेंस कैंप है इस तरह लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पूरा जंगल है, पता नहीं कहाँ पे जाकर उन्होंने वो बम ब्लास्ट किया होगा, पर जगह यही है भाई, देखो दूर दूर तक तो कुछ नहीं है, और जो है वो नहीं आई थी खतरनाक आदमी पे, देख लो बहुत दूर दूर। एक्सीडेंट भाई भयंकर वाला इस गाड़ी का, हमसे जो हो पाएगा वो करेंगे। ये एक इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हम मेडिकल बॉक्स हमारे पास लगाने की कोशिश करते हैं, भैया धीरे धीरे चला करो भाई, एम्बुलेंस आ तो गई है, जितना हमसे वो हाथ में भी लगा हुआ खून, RJ 26 CA 2720 गाड़ी नंबर, वो सरकारी गाड़ी से, और भयंकर एक्सीडेंट हुआ है भाई। धीरे चला करो रोड पे भाई, देख के चला करो कम से कम, देखिए गाड़ी देखिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ हैं? वो गाड़ी उधर पड़ी है, ये इधर भी कोई समझ नहीं यार, दो गाड़ी वहाँ से लगा टक्कर इधर आई है। अच्छा तो वो गाड़ी आमने सामने की गाड़ी टक्कर हुई है, ये गाड़ी टक्कर हुई थी ना, आया गाड़ी था गाड़ी वहां पे, देख गाड़ी है भाई, यूसीसी की। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे भैया, ये एक्सीडेंट कैसे भैया? अरे ये गाड़ी कोई आ रही थी यहाँ से, ये वाली गाड़ी, हाँ अच्छा वो बीच में से निकली है गाड़ी, है इसको बचाने का चक्कर में ये भी घूम के गाड़ी तो पूरी खत्म। हाँ,
RJ15UA0913। ये तो सरकारी गाड़ी लग रही है, ये तो सरकारी गाड़ी लग रही है, तो UCC बुरा हालत है। तो शुक्र है बच गए सारे, तारे वो बच जाए तो अच्छी बात है। तो चलते हैं भाई। ऐसा हुआ कि जो दो गाड़ी थी ना वो एक्सीडेंट, उसमें एक गाड़ी सरकारी थी जो बुलेरो थी, जो वो सर्विस लाइन से अंदर घुस गई थी ऐसे, और वो पीछे से स्पीड में जा रही थी डिजायर वाला, और वो जैसे अंदर घुसी ना उसके डिसबैलेंस हो गई, काट सकता था ऐसे, बट पता नहीं क्या हुआ होगा उसके दिमाग में उस टाइम पे, क्या कहाँ ध्यान था क्या नहीं पता नहीं, बट वो उसको टकराई, फिर डिसबैलेंस होकर जाके रेलिंग पे डिवाइडर जो था वहाँ पे घुस गई, और डिजायर तो वैसी चद्दर है बिल्कुल, मारुति मतलब जो बॉडी का जो गेज है बनाती नहीं, अट्ठा पता नहीं मतलब बहुत पतली चद्दर होती है। यहाँ रुके हैं एक भादरिया राय जी होटल रेस्टोरेंट, ये जैसलमेर से कुछ थोड़ी देर थोड़ा पहले है, टाइम हो गया था, मतलब लंच ही कर लेते हैं। जगह भी अच्छी थी, खुली बिल्कुल, पेड़ों के नीचे ओपन में लगा रखा था, अच्छा लग रहा था। तो सामने दवाई की दुकान भी है, अंग्रेजी दवाइयाँ और देसी दवाइयाँ दोनों मिलती हैं यहाँ पे भाई। तो हमने तो यहीं रुक जाते हैं, बच्चे भी हैं ग्राउंड में खेल लेते हैं। सिवान से कैसा लग रहा है आपको सिवान से आते हुए? अच्छा, अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो अभी आप? कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, चाय की दुकान पे रुके अभी? हाँ, क्या खाओगे यहाँ पे आप? यहाँ पे मैं एक ये देखो, एक उसको देखो ड्रामेबाज को, हट ना ऐसे देखना, हटो 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 हट जा देवी। हाँ भाई क्या हाल है? अच्छा छोले भटूरे खाएगा, तू क्या खाएगा? तेरे पाँव फंस गए। कितना दिखा रहा है? हाँ तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? देसी अपना खाना वाना तो खा रहे हम लोग। एक इसे देखो, इसे बदमाश को देखो क्या चोरी कर रहा है, ये मुंह देखो उसका, मुंह नीचे नीचे गोली गोली कर रहा है, देख रहे हो? क्या कर रहा है? चावल गिरा दे, नहीं खाना गिरा दे, नहीं है चावल खा रहे हीरो? ये सूखे चावल खाता है भाई, उठा उठा के ना यहाँ से नीचे डाल रहा है चिड़िया को, खा ले। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू? मुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो? बॉडी आ गई तुम्हारी, दिखाओ उधर, दिखाओ शक्ल इधर, दिखाओ दोबारा उठाओ, उठा लो एक बार, उठाओ बॉडी बनाओ, शक्ल इधर दिखाओ, बहुत ताकत लग रही है उठाने में, बहुत ताकत लग रही है। क्या इतनी ताकत कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? इतनी ताकत कैसे आई तुम्हारे अंदर? कैसे आई है? अच्छा ये इसकी भी ताकत आ गई, इसकी भी ताकत आ गई है। अच्छा भैया के पाँव मत गिरा देना, भैया भी उठाओगा, उठा ले उठाओ, उठाओ रुद्रा, उठाओ 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 रुद्रा, उठाओ 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 नीचे आ, उठाओ 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 निचल देगा उठो। चलो भाई, ये जो रेस्टोरेंट है ना, बदानी जो होटल एवं रेस्टोरेंट, नंबर भी लिखा हुआ है वैसे तो, ये जैसे मेरे से थोड़ा पहले पड़ता है। क्या नाम भी आपका? सोनू भाई, खान सिंह, और आपका? अमर भाई। तो इन तीनों भाई ने बड़ी सेवा करी खाना खिलाना, बहुत बढ़िया खाना था भाई। आप लोग भी आओ तो इस रस्ते पर जरूर खाना खाओ, रुक के भूख नहीं भी हो तब भी खाओ। कौन सी थोड़ा जगह लोकेशन बताओ, कैसे कैसे पता करें? ये सर पोखरा से आगे खेतोलाई, खेतोलाई है। हाँ श्री भद्रिया राय होटल है। हाँ चंदन सिंह भाटी की होटल है। अच्छा तो लोकेशन मतलब आपका पोखरण से आएगा? पोखरण से आगे वाटर आर्मी एरिया, वाटर पॉइंट से आगे। अच्छा भाई पोखरण से आगे आर्मी एरिया आएगा, उसके आगे वाटर पॉइंट है, उसके बाद ये उल्टे आते पड़ता है अगर आप पोखरण से जैसे मेरे जा रहे हो तो। मैं खाना हो गया अपना, भोजन हो गया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। और आप सीधा देखते हैं, टाइम तो काफ़ी बचा है दिन का,
इसलिए मेरे तो आज नहीं घूमेंगे, सोच रहे हैं सीधे सम चले जाएं। भाई हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से ना हम निकल तो चुके हैं, अभी करीबन के 2 बजे हैं बस, और 1 घंटे में हम जैसलमेर पहुँच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम क्या सोच रहे हैं यार, होटल में रुक के क्या करना है, घूमने हैं घूमते हैं, तो हम होटल चेक इन नहीं कर रहे हैं अभी। मैंने बता दिया है वहाँ पर जो लड़का उसको कि भैया हम थोड़ा लेट चेक इन करेंगे, बट हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं सम में, क्योंकि एक्चुअली जो मेन चीज़ देखने वाली वो है शाम को, इवनिंग में जो सनसेट होता है वो, तो वही देखेंगे जाके, क्योंकि तब तक 2 तो बज चुके हैं, घंटे भर में 3 बज जाएंगे, और उससे आगे और 1 घंटा लगेगा, 4 बजे मतलब मोटा मोटा 4-4:30 बजे तक हम सम पहुँच जाएंगे। स्कूल के बच्चे हैं ये आ रहे हैं, ये बच्चे तिरंगा लेके जा रहे हो, वंदे मातरम। बारिश जैसलमेर यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर बचा है बस, मौसम तो आप देख ही रहे हो एक नंबर का हो रखा है। कुल मिला के अच्छा लग रहा है यार, वो एक जो इमेजिनेशन थी ना जैसलमेर के बारे में और बाकी लोकेशन के बारे में कि यार रेत के टिल्ले होंगे बहुत सारे, गर्मी होगी, वो सब नहीं है यार। गर्मियों में डेफिनेटली होती हुई गर्मी, पर मुझे लगता है बारिश के टाइम पर आना जैसलमेर में वर्थ है, बहुत बढ़िया है यार। यहाँ से सही 15 मिनट दिखा रहा है जैसलमेर, देखो ये देखो भाई, ये देखो स्वर्ण नगरी, ये जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, क्या लग रहा है भाई, क्या नजारा है। ये पूरा आर्मी एरिया है, टैंक खड़ा राइट साइड में, देखो टैंक, ये खड़ा टैंक राइट साइड में, देखो ये अच्छा म्यूजियम यहाँ बना दिया, वॉर म्यूजियम है देखो, ये बाद में आते टाइम देखेंगे, ये वॉर म्यूजियम है, ये आते टाइम देखेंगे। ये होटल है जहाँ पे हमें रुकना है वैसे, और ये है जैसलमेर सिटी भाई, सामने आपको दिख रही है नहीं दिख रही पता नहीं, देख कोशिश करते हैं दिखाने की। ये जैसलमेर का किला है सामने, ये जैसलमेर का किला है मैं पूरा भाई, ये है भाई जैसलमेर शहर की शुरुआत, ये सबसे पहली याद आती है कि जैसलमेर शहर में घुसने से पहले ये तिराया पहले भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है, सिर्फ कुछ खंबे ज्यादा बन गए, इधर बाड़मेर क्या पहले इतने खंबे नहीं थे पहले बीच में, आज की रेट में ये आ गया, यहाँ से राइट साइड में जाते थे तो मार्केट था यहाँ पे राइट साइड में। ये जैसलमेर की शुरुआत है, यहाँ से ना आपके राइट साइड में ये मार्केट के लिए रास्ता चले जाता था पहले, और यही आगे किले में चले जाता था, अब पता नहीं कितना क्या बदला है क्या नहीं, कल जब अब रात को या कल दिन में जब बाजार में घूमा जाएगा तब पता लगेगा।